ये लाडली बहना योजना ये केवल योजना नहीं है, ये बहनों की जिंदगी बनाने का महाभियान है। प्रदेश के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई लाडली बहना योजना अब सरकार के गले की फांस बनती हुई नजर आ रही है। शायद यही वजह है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया महिलाओं को मिलने वाली 1,250 की राशि को 3,000 करने के सवाल का जवाब नहीं दे पाई हैं। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि मैं यह नहीं कहूंगी कि 3,000 कब मिलेंगे, यह बताना मुश्किल है। आने वाले समय में देखते हैं क्या किया जा सकता है। 3,000 कब मिलेंगे कोई दरअसल महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने सरकार और अपने विभाग को लेकर देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उनसे लाडली बहना योजना की रकम 3,000 करने को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने यह कहा कि विभाग उनके पास है तो हर जगह उनसे यह सवाल पूछा जाता है, लेकिन अभी जो स्थिति है हम सभी महिलाओं को 1,250 रुपए दे रहे हैं, यह पॉलिसी मैटर है। मंत्री निर्मला भूरिया ने आगे कहा कि इस योजना में और क्या कर सकते हैं, महिलाओं को और चीजें सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर कैसे बना सकते हैं, इस ओर भी हमारी सरकार का ध्यान है। 3,000 कब मिलेंगे यह निश्चित बताना मुश्किल है। 5 साल के लिए सरकार बनती है, 5 साल तक चीजें करनी होती हैं। देखते हैं आने वाले समय में क्या कर सकते हैं। 3,000 कब मिलेंगे कोई निश्चित नहीं है, ऐसा बताना मुश्किल है, लेकिन हाँ जो भी चीजें होती है 5 साल के लिए सरकार बनती है और 5 साल तक ये चीजें करनी होती है, तो देखते हैं आने वाले समय में इसमें क्या कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो मोहन सरकार के मंत्री की ओर से दिया गया यह बयान लाडली बहनों की उम्मीद पर पानी फेरता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में मोहन सरकार इस योजना से पार पाने के लिए और महिलाओं का दिल जीतने के लिए क्या कदम उठाती है।